मैं अभी वीडियो बॉम्बिंग कर रहा हूँ। हाय एवरीवन, सो पुलकित, रेहान एंड अयान आर हियर विद नायरू। बट आई थिंक कि 50 रुपए से ज्यादा की कीमत है उनकी जान की, ना तो फाइन बढ़ाना चाहिए। वो बहुत ज्यादा खास होने वाला है, बिकॉज आज जो है मैं आपको मिलवाने वाला हूँ द वन एंड ओनली मेरा छोटा भाई कह सकते हैं आप, अयान सूद से। तो बहुत टाइम से मैं और अयान प्लान कर रहे थे एक वीडियो को लेके, एंड फाइनली वी आर मेकिंग वीडियो। और साथ ही साथ जो है इस वीडियो का पार्ट टू जो है वो अयान के चैनल पे आया है, आई बटन में वो आप वीडियो आप देख सकते हैं। एंड मेक श्योर कि अयान की वीडियो जरूर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमने और कितना कितना जो है फन दोनों ने मिलकर किया। साथ ही साथ जो है आज मेरी मुलाकात होगी द वन एंड ओनली सोनू सूद सर से, तो बहुत सारी बातें होने वाली है उनसे। सो मेक श्योर टू वॉच पूरा व्लॉग। सो ज़्यादा समय लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। A few moments later. So, अभी फिलहाल जो है मैं पहुंच गया हूँ सोनू सर और अयान के घर पे, और अभी सामने जो है अयान भाई खड़े हैं, तो मैं अभी कैमरा टर्न करेंगे और आप सबको अयान से मिलवाता हूँ। क्या हाल चाल है? What's up guys? What's up bro? कैसा है? All good. Buddy? What's up bro? All good? Yeah. So, साथ में जो है हमारा छोटा रेहान प्रोडक्शन, रेहान प्रोडक्शन भी हमारा रेहान भाई है। So, ये है सुल्तान। अयान मुझे बहुत बार फोटोज में भी देख के पूछा था कि भाई सुल्तान से मिलना है। सो फाइनली सुल्तान यहाँ पर है, और सुल्तान के साथ एक जो वीडियो है वो उसके चैनल पे आएगी, उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं अंदर। we'll discuss it about later. तो अब बाकी अभी बारिश आ रही है, तो फिलहाल अंदर चलते हैं। अंदर चलते हैं, उधर मिलते हैं आपसे, बाय। तो दिस इज आवर हॉल, हम इधर स्पेशल लोगों से मिलने आए हैं जैसे आप, सुल्तान और सब लोग। तो गाइस लेट्स डिस्कस करते हैं ये हॉल में बैठ के। सो अभी फिलहाल तो है कुछ बातें करूंगा मैं रेहान, रेहान भी हमारे साथ है, ठीक है। रेहान के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो रेहान ये एक YouTube चैनल चलाता है, ठीक है, ये लेजेंडरी कंटेंट बनता है आपको। ओके, सो मैं चाहूंगा कि यार तुम मुझे जो है अपना मोगा वाला जो हाउस है इसका एक टूर भी दो बाहर, और बाहर से मैं दिखाना चाहूंगा कि क्या क्या सर मतलब घर आपने किस तरीके से बनाया हुआ, क्योंकि बहुत लोगों ने देखा होगा शायद गूगल वगैरह पे, बट आई वॉन्ट कि ब्लॉग में भी हम चीज दिखाएं। सो चलते हैं अभी बाहर। तो आज करना है फर्स्ट एवर टूर ऑन दिस चैनल, लेट्स गो गाइस, चलो। सो अभी फिलहाल जो है मुझे अयान भाई जो है हमारे टूर देखने लगे हैं, बहुत मजे आ। तो अयान भाई स्टार्टिंग करता हूँ मैं यहीं से बाइक से। तो ये मैंने जब भी मैं यहाँ पर आया हूँ घर पे तो मेरे को बाइक देखने को मिलती है, इस बाइक के पीछे क्या राज है कुछ बताओ। तो ये बाइक गौतम अंकल ने ली थी, रेहान प्रोडक्शंस के फादर ने। बहुत मस्त बाइक है, आर्मी टाइप का बाइक देता है, कूल बाइक था। हाँ, क्योंकि हमने हमारी लास्ट वाली जो स्कूटर थी वो वापस कर दी थी, मतलब यूज नहीं करते थे, किसी को गिफ्ट कर दी थी, तो हमने सोचा कि थोड़ा अपग्रेड करके यूएस आर्मी टाइप की कूल सी बाइक लेके आते हैं। मॉडिफाइड है, राइट, एग्जैक्टली, है ना। ओके, सो उसके बाद तुम मुझे और बताओ कि यार यहाँ पे मैं अभी देख सकता हूँ पीछे गार्डन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो गार्डन की तरफ यार एक बार कैमरा घुमा दो। तो अभी बारिश हो रही है तो हम ज्यादा बाहर घूम सकते नहीं है क्योंकि कैमरा खराब नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, पर ये हमारा गार्डन है, काफी बड़ा गार्डन है, यहाँ खेल सकते बैडमिंटन टाइप के स्पोर्ट्स, यूजली बैडमिंटन खेलते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, पाथवे है, फिर उधर ऑब्वियसली बुद्धा जी हैं, अभी प्रे करने का मन किया, और कूल डिजाइन है, मस्त चीज है, और बैठना बैठना है तो इधर ऑब्वियसली है, अच्छे अच्छे प्लांट्स है, फिर इधर हमारा गैराज टाइप का एरिया है, यहाँ सुल्तान है ऑब्वियसली, तो यहाँ हमारा गैराज टाइप का एरिया है, काफी सारी कार्स है, और ये हमारा मेन एरिया है जिधर से सब कार्स आती है, और हम क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे। हाँ, तो बहुत कूल चीज लगती है, सामने मंदिर उधर, हाँ सामने उधर मंदिर है साईं बाबा का, तो कभी भी प्रे करने का मन किया तो जरूर जा सकते हैं वहाँ, गेट भी है वहाँ जिधर से सब आते हैं। फिर ये है मेन एरिया, स्नोई है वहाँ, हमारा तो ये है हमारा मेन गार्डन, मेन जगह जिधर हम कभी फायर प्लेस रखनी तो रख सकते हैं, कभी डिनर खाना है तो खा सकते हैं, और उधर स्विंग्स है, उधर रामो अंकल रहते हैं हमारे काफी क्लोज बंदे, और उधर पहले घर होता था पर उसे तोड़ के हमने मंदिर बनाया, और वहाँ है हमारा मेन एरिया जिधर हम बैठ के चिट चैट कर सकते हैं, कभी मन किया सुबह सुबह उठ के अच्छा रहता है, 4-5 बजे इधर बैठ के कॉफी वॉफी पी सकते हैं, तो ये मोस्टली एरिया है जगह का। तो वैसे मैं बताऊँ यार अयान एक बहुत ही मतलब अभी अयान ने ना कुछ ज़्यादा वीडियोस नहीं पाई है अपने चैनल पे, हाँ इन फ्यूचर अगर आप अभी से उसको चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना बहुत बेहतरीन कंटेंट बनाने वाला है। आपने देख के लिए कि कितनी बढ़िया मस्त होम टूर दिया इसने, इससे हो अच्छा होम टूर हो ही नहीं सकता था, ठीक है। सो इसी मजेदार तरीके से कुछ वीडियोज अभी इसने प्लान की हुई है। मैं अभी वीडियो बॉम्बिंग कर रहा हूँ। हाय एवरीवन, सो पुलकित, रेहान एंड अयान आर हियर विद नायरू। सो दे आर हैविंग लॉट ऑफ फन हियर, द वेदर इज ब्यूटीफुल इन पंजाब,
एंड थैंक यू सो मच पुलकित फॉर ऑल द एफर्ट आप अपने दोस्तों को लेकर आए हो यहाँ पर एंड जो हमारे डीओपी है कैमरामैन भाई हैं वो भी यू नो बहुत हमारे खास हैं तो हम लोग उनको भी दिखा देते हैं थोड़ा सा आप इधर आ जाओ तो थोड़ा सा हम घुमा के इनको भी दिखा देते हैं ये देखिए ये है भाई साहब तो कैमरे के पीछे वालों को भी पता होना चाहिए कौन है एंड ओवर भाई हमारे बॉम्बे से आए हैं इस समय और सबको अच्छा वेदर ने बड़ा कमाल का वेलकम किया बहुत अच्छा वेदर है सो एंजॉय गाइस तो गाइस देख सकते हैं हमने वीडियो बॉम्ब कर लिया ऑफिशियली ये सही था मजेदार था भाई हाय एवरीवन आज मैं अपने फैमिली के साथ बैठा हूँ और हमारे साथ सुल्तान भी है फैमिली वाला हमारा पुलकित है पुलकित हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में एनिमल्स के ऊपर बहुत क्रुएलिटी हम लोगों ने देखी है आपका क्या कहना है उसके बारे में सर बहुत बुरा हाल है कोई डॉग है या कैट है बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी हो रही है और उसकी सिर्फ फाइन जो है 50 रुपये सो वट आई थिंक कि 50 रुपये से ज़्यादा की कीमत है उनकी जान की है ना तो फाइन बढ़ाना चाहिए और स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए ताकि लोग कोई अटेम्प्ट ना करें यार आपका क्या कहना है इसके बारे में बच्चे बहुत सैड है एक्चुअली कितने बेचारे और अभी इंक्रीज हो रहा है पहले इट वॉज था पर कम था और आजकल इतना ज़्यादा हो रहा है जैसे कितने केसेस आ रहे हैं ब्रूनो जैसे फिर कोई बिल्डिंग से फेंक रहा है डॉग्स को क्योंकि बेचारे बस अपना घर ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं प्यार ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं और उनको मौत फेस करनी पड़ी इट्स वेरी सैड रिहान आप क्या कहना चाहते हो बच्चों मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि डॉग्स को प्यार किया करो हाँ प्यार करना चाहिए एंड वी नो दे आर सच नोबल कितने प्यारे यू नो हमारे दोस्त हैं जो बिना किसी कारण आप दे विल ऑलवेज शो द लव दैट दे हैव फॉर ह्यूमंस और आई थिंक हम इंसानों को जितने हमारे दोस्त लोग सुन रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप प्लीज़ इनका ध्यान रखिए एंड जस्ट टेक केयर ऑफ देम एंड मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन से नो टू क्रुएलिटी टू ऑल दिस एनिमल्स थैंक यू सो मच जय हिंद ओके सो फिलहाल हम फिर से वापस आ चुके हैं यहाँ पर रूम में तो अभी मेरे साथ है आयान सूद तो मैं इसलिए घर से करा के चला था तो अभी हमारे को टाइम मिला है हम दोनों आराम से अलग से बैठ के बात कर रहे हैं और मैं आयान से कुछ चीज़ें जानना चाहता था देखो कहना आयान आपने अभी बहुत रिसेंटली एक इंडियन डॉग यू नो स्ट्रीट डॉग्स भी इनको कह देते हैं वो आपने अडॉप्ट किए सो उसके पीछे क्या रीज़न था देखो बहुत सारी ब्रीड्स लोग अडॉप्ट करते हैं पर्सनली मेरे पास भी बहुत ब्रीड वाले डॉग हैं तो उसका क्या रीज़न था आपने ब्रीड वाले डॉग नहीं चुने और स्ट्रीट डॉग चुने इसका पीछे कुछ रीज़न क्या था कि मेरा बर्थडे था और हम लोग अलीबाग गए थे क्योंकि उधर एक है अच्छी प्रॉपर्टी है तो वो सब देखने गए थे मतलब उधर रहने गए थे होटल टाइप का रिजॉर्ट और उधर मैं पूल से निकल रहा था और मुझे एक छोटा सा पप्पी दिखा था उधर ठीक है तो मैं डॉग लवर हूँ तो मैं उससे मिलने गया तो वो बंदा यूजली पप्पीज डर जाते छोटे छोटे पर वो मेरे पास आ रहा था मेरे साथ खेलने की ट्राई कर रहा था तो मुझे लगा बेचारे को भूख लगी होगी मैं खाना लाया पर उसे खाना नहीं चाहिए था बस मेरे साथ खेलना चाहता था तो मैं इतना खुश हो गया फिर पर मैंने उसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं खाना आना दे दिया और मैं निकल गया फिर अगले दिन हम जब फिर से मैं देखा उसे तो मैंने बोला यार इस पपी के बारे में कुछ स्पेशल है और ये मेरे पास आ रहा था तो मैं उसे गोद ले गया और घुमाते रहे इधर उधर और उससे बहुत अच्छा लग रहा था यूजली डॉग डरते हैं ना जब पहली बार इंटरेक्ट करते हैं बट नारुतो के साथ ऐसा कुछ था ही नहीं उल्टा कुछ था क्योंकि तो फिर मैंने जो उधर रहते थे भैया उन लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला कि जो नारुतो के पेरेंट्स थे उसने नारुतो को छोड़ दिया था क्योंकि जब उनके पास भी खुद भी रिसोर्सेज ढूंढने रहते हैं ना और इतने छोटे बच्चे को कहाँ लेके जाएंगे उनके पास और भी बच्चे थे तो नारुतो को अकेले छोड़ दिया था और खाना वाने का तो तब से नारुतो उधर ही रह रहा है इधर उधर रास्ता ढूंढ रहा है तो मैंने पहली चीज़ रियलाइज की उधर बहुत साफ होते थे तो सेफ नहीं है और दूसरी चीज़ वो इतना प्यारा था तो मैंने सोचा कि मैं इसको अडॉप्ट करता हूँ तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे तो लेके नहीं जा सकता तो पहले मुझे देखना पड़ेगा इफ़ ही इज़ कम्फर्टेबल विद मी तो मैं एक रात उसे अपने साथ रुकाया और वो इतना खुश था कि अगले दिन हम उसे बॉम्बे लेके आ गए बोट से आए थे वापस और हमारे साथ ही रह रहा था तब से वो क्या बात है यार और बाकी यार अगर मैं बात करूँ तुम्हारे YouTube चैनल का तो ऑलमोस्ट कितने साल हो गए तुम्हें YouTube साहब के तो पहले मेरे पास एक चालू में एक YouTube चैनल था जो अभी तक है वो 6 साल पुराना चैनल है उस पर 3.5 मेरी एज 12 है तो इसने 6 साल की उम्र में YouTube स्टार्ट कर दिया तो उस पर 3.5 के थे सब पर मैं डिसकंटिन्यू कर दिया चैनल खुद का चैनल खोला तो दैट चैनल इज 8 मंथ्स ओल्ड एंड आई हैव 7000 सब्सक्राइबर्स ऑन इट ओके सो अब हमारे पास एक क्या है मेरी ऑडियंस के लिए स्टेप है कि 7000 अभी सब्सक्राइबर इसने बताया है सो लेट्स सी इस वीडियो के बाद कितने से ज़्यादा हम इसके सब्सक्राइबर गेन हो सकते हैं ये मेरी ऑडियंस के लिए टेस्ट भी होगा ठीक है सो ऑडियंस मेक श्योर टू सब्सक्राइब इस चैनल में बार बार कह रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन और हाँ साथ ही साथ जो है अभी एक स्पेशली वीडियो हमने सुल्तान के साथ शूट किया है सुल्तान को जब मैं लेके आया तो उसका रिएक्शन देखने वाला था तो वो जो है आयान भाई के चैनल पे आ रही है तो मेक श्योर वो वीडियो ज़रूर देखना इस वीडियो के एंड में भी वो वीडियो आपको मिल जाएगी जब आप एंड में देखेंगे तो बाकी यार थैंक यू सो मच आयान भाई
इट वॉज लाइक बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, स्पेशली सोनू सर से मिलकर. और अब नेक्स्ट फिर हम कुछ और कंटेंट बनाने वाले हैं. ठीक है, एंड मेक श्योर टू फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम, आयान सूद के नाम से इसके इंस्टाग्राम हैंडल, और अब मेरा इंस्टाग्राम हैंडल को जानते हैं पुलकित के नाम से. हम दोनों को फॉलो करो, दोनों के अभी 16,000 फॉलोवर है, तो देखते हैं इसके बाद फॉलोवर कितने बढ़ते हैं. तो थैंक यू सो मच आयान भाई. और लास्ट में एक सरप्राइज है, एक स्पेशल कैमियो विद नन एंड नन अदर देन ब्लैकआउट. ओके, सो विद दैट करते हैं हम आज के व्लॉग का एंड. आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा, आई होप आपने थोड़ा सा आप मोटिवेट हुए हो कि आप जो है एनिमल क्वालिटी के खिलाफ जो है कुछ आवाज़ उठाएं. और बाकी थैंक यू सो मच आयान ब्रो, और वीडियो जो है हमने बना लिया आयान के चैनल के लिए भी, तो मेक श्योर जल्दी से वीडियो देखो, मजा आ जाएगा उस वीडियो को देख के ना, उसमें कितने सारे राज खोले आयान ने. चल मस्त वीडियो.